एमआईएम पार्टी के चीफ और हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। मंगलवार को लोकसभा में सांसद पद की शपथ के दौरान ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाए जाने के संसद से लेकर संसद की गलियारों तक खूब हंगामा मच गया है। दरअसल हैदराबाद से चुनकर आए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम जय मीम के साथ जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। आखिर में उन्होंने तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। इसे लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। उनके जय फिलिस्तीन नारों को संसद की कार्रवाई से तो निकाल दिया गया है, लेकिन मामला संगीन हो चला है। अब एक्सपर्ट का मानना है कि इस नारे की वजह से ओवैसी की सांसदी भी छिन सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर इस बारे में संसदीय नियम क्या कुछ कहता है, क्या सचमुच ओवैसी की सांसदी चली जाएगी। बता दें कि ओवैसी ने शपथ के दौरान जब फिलिस्तीन का नारा लगाया तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद ने तुरंत विरोध किया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी राधामोहन सिंह ने ओवैसी के इस बयान को रिकॉर्ड से निकालने के लिए कहा, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। वहीं संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसकी लोकसभा या किसी भी सदस्य की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक या तो उन्हें फिर से शपथ लेने को कहा जा सकता है या फिर वे अयोग्य ठहराए जाएंगे। वहीं जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो ओवैसी ने संवाददाताओं जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा सब आपके सामने है। हमने कहा जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन, ये कैसे संविधान के खिलाफ है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान क्या कुछ कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतिकाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना तकबीर अल्लाहु अकबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।